नरकासुर एक राक्षस का नाम था, आप सबने जानते हैं, जिसका श्री कृष्ण जी ने वध किया था, वो कथा अभी बताऊंगा। लेकिन नरकासुर राक्षस नहीं था, वो विष्णु का ही अंश था। यज्ञ वराह के तीन पुत्र थे, यज्ञ वराह और उनके तीनों पुत्र का अंत हुआ जो महादेव ने किया सर्व अवतार के रूप में। पर वराह का उसके बाद पृथ्वी के संग उससे पहले वराह का एक और संतति जो है वो पृथ्वी के गर्भ में था, और वराह विष्णु के अंश हैं, विष्णु के अवतार हैं, तो वो विष्णु के अंशावतार के रूप में ही नरकासुर था। हम बताते चल रहे हैं कि पुराण के दो पक्ष हैं, जैसे मूर्ति साकार और निराकार, उस तरह स्थूल और सूक्ष्म, और दोनों की व्याख्या साथ चलेगी। कथा स्थूल रूप है, उसके पीछे का मनोभाव सूक्ष्म रूप है। और पृथ्वी एक देवी है, ये बात स्पष्ट हो गया, स्त्रीलिंग है, ये बात स्पष्ट हो गया, और पृथ्वी उर्वरा है। आप सारे फसल देखो, पृथ्वी उर्वरा है, यानी पृथ्वी माँ है, जननी है। इसको इस रूप में आप लीजिए कि जो भी उसमें बीज वपन करेगा पृथ्वी के गर्भ से वो फूटेगा ही, निकलेगा ही। इसलिए पृथ्वी एक उर्वरा जननी है, और वराह देव के साथ उनके संयोग से नरकासुर उनके गर्भ में था। अब नरकासुर जब गर्भ में था, लेकिन वराह जो है वो तो उत्पात कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो आत्मा तो विष्णु का था, पर गुण उन्होंने, या माया का प्रभाव कहिए, गुण थोड़ी आतुरी आ गई थी, पशुवत आ गई थी। तो जो गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में नरकासुर के आने की भी एक बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है कि नरकासुर तब आया। वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो ये व्याख्या आपको आज के संदर्भ में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है कि उस समय पृथ्वी जो है रजस्वला हुई थी, और उसी समय वराह देव ने उनके साथ संभोग किया था, जिसके कारण नरकासुर देवपुत्र होकर भी असुर योनि को प्राप्त हुआ। ये कितना सूक्ष्म बात है, इसको आप समझिए। वैज्ञानिक दृष्टि से हम कहेंगे कि आप पति पत्नी के संबंध में बच्चा नहीं ठहरता, सिर्फ पीरियड के बाद जाके 14 दिन का जो समय होता है, परंतु सूक्ष्म भाव से धर्म को देखेंगे कि उस समय स्त्री के साथ, वो पति ही क्यों ना हो, उसके साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। उस समय वो पीड़ा में होती है, उस समय को पाप कहा गया है कि यदि आप स्त्री के साथ उस समय संयोग में होते हैं तो आप पाप कर्म के भागी हैं। और चाहे अनचाहे यदि गर्भ ठहर गया तो आपका, आपकी संतान असुर योनि की होगी, वो असुर प्रवृत्ति लिए हुए, चाहे आप कितने ही धर्मात्मा हो, चाहे विष्णु का ही आत्मा क्यों न हो। ये कितना बड़ा स्त्रियों के सम्मान के लिए, कितनी बड़ी धर्म की व्याख्या है कि उस दौरान जब स्त्री को सुरक्षा, प्रेम, स्नेह की जरूरत है, आप उनके साथ कभी भी जबरदस्ती या फिर शारीरिक समागम उस पीरियड में नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सेफ पीरियड आता है, और फिर उनके बिल्कुल गर्भधारण का पीरियड आता है। लेकिन उस समय यदि हुआ और चाहे अनचाहे गर्भ हो गया तो वो असुर योनि की संतान होगा, ये हमारे धर्मशास्त्र ने कहा। धर्मशास्त्र ने ये भी कहा कि संध्या के समय यदि पति पत्नी का संयोग हुआ तो भी पुत्र असुर योनि का हो। तो बड़े, जब गरुड़ पुराण में हम जाएंगे उसकी पूरी व्याख्या है बहुत बारीकी से, और अगर पति पत्नी उस पुराण की व्याख्या के अनुसार अपने जीवन को लें, अपनी संतति का, अपने गर्भ धारण के, तो वो बहुत सात्विक संतति को जन्म दे सकते हैं। इतना
बारीकी के साथ हमारे ऋषियों ने उसका उल्लेख किया। इसलिए पृथ्वी की संतति, पृथ्वी जो जननी है और विष्णु के अंश होकर भी नरकासुर में असुर प्रवृत्ति प्रवेश कर गया, क्योंकि रजस ज्वला पृथ्वी के साथ वराह देव ने संयोग किया। और ब्रह्मा आदि ने देख लिया कि ये तो विष्णु का अंश तो महाप्रतापी बलवान तो होगा, लेकिन गलत समय में संयोग किया गया है तो असुर प्रवृत्ति तो आएगी, इसलिए पृथ्वी के इस गर्भ को रोक देते हैं। अभी अभी सृष्टि का निर्माण ही चल रहा है, जो आपको बताया मैंने, इस निर्माण की प्रक्रिया में कोई असुर आ जाए और बहुत बलशाली विष्णु की शक्ति लेके, तो फिर से पृथ्वी पर वराह देव और सरब के द्वंद युद्ध में जिस तरह से पृथ्वी का विनाश हुआ और पुनः मत्स्य अवतार के जरिए फिर से पृथ्वी की सृष्टि हुई, पुनः वो स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अभी अभी हमने घर सजाया है, पृथ्वी को सृष्टि को सजाने का काम अभी अभी शुरू किया है, काश्यप जी से संतानोत्पत्ति चल रही है, पृथ्वी में का विस्तार हो रहा है, मानव का विस्तार, प्राणियों का विस्तार, सर्पों का विस्तार, देवताओं का विस्तार, नर नारायण जो है एक विष्णु शक्ति को जो है मोड़ रहे हैं तपस्या के द्वारा, तो पिछले एपिसोड में कहा। तो इस समय कोई इतना बलवान असुर को अभी हम झेलने की स्थिति में नहीं, ब्रह्मा ने देख लिया और ब्रह्मा ने पृथ्वी के गर्भ को रोक दिया, यानी कि जब तक समय अवधि पूरा होने के बाद भी बच्चा गर्भ में ही रहा। अब पृथ्वी कराह रही है दर्द से और ब्रह्मा ने उनको रोक दिया है, तो पृथ्वी क्या करे? पृथ्वी के पास वो बहुत दुखी थी, उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा थी, तो पृथ्वी ने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की और भगवान विष्णु की आराधना शुरू की, तपस्या शुरू की पृथ्वी ने। भगवान विष्णु के लिए बहुत सुंदर पृथ्वी ने जो श्लोक कहे हैं, बहुत सुंदर कहा है श्लोक। और पृथ्वी की आराधना से भगवान भी व्याकुल हुए और भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए वसुंधरे? वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है नाम जो है, तुम क्यों रोदन कर रही हो? तुम्हारी पीड़ा असहनीय है, तुम्हारा चित्कार असहनीय है। तो पृथ्वी ने कहा कि मधुसूदन, आप जानते हैं कि ये मुझे गर्भ यंत्रणा हो रहा है, अब ये कष्ट सहा नहीं जा रहा है। और पृथ्वी का ये जो है विलाप, ये मानव के लिए भी है एक तरह से, जब पापी बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी भार वहन नहीं कर पाती। पापियों की संख्या अगर लगातार हो तो पृथ्वी, आप देख लीजिए पृथ्वी की उर्वरा शक्ति किस तरह से छीन होती जा रही, पृथ्वी से किस तरह से स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, सब पापियों के कारण। वो पापी जो वृक्ष काटते हैं, वो पापी जो संसाधन लूट रहे हैं, वो पापी जो पृथ्वी को पीड़ा दे रहे हैं, ये पूरी कथा स्थूल और सूक्ष्म भाव से साथ चलती है पुराणों की। लेकिन जिसने स्थूल पकड़ा वो पुराणों को गाली देता है, वो उसके पीछे की वो जो उपनिषद और वेद की व्याख्या उसको वो नहीं पकड़ पाता। जो आप पृथ्वी की पीड़ा देख रहे हैं, अत्यधिक खनिज संसाधन जो लूटे जा रहे हैं, पृथ्वी की पीड़ा आप देख रहे हैं, आप पृथ्वी की पीड़ा जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं, गैस उत्सर्जन के रूप में देख रहे हैं, तो पृथ्वी वो भार अपने गर्भ में उर्वरा है, वो पृथ्वी वो वहन आज भी कर रही है और आज भी वो चित्कार कर रही है और आज भी वो नारायण से प्रार्थना ही कर रही है कि मानव ने अपने विकास के नाम पर हमारा कितना ध्वंस कर दिया है, कितने खनिज संसाधन लूट लिए, पहाड़ों पर रिसोर्ट बना बनाकर पूरे पहाड़ को ध्वस्त कर रहे हैं। केदारनाथ का विप्लव देखा आपने, पेड़ों को साफ कर रहे हैं,
नदियां गंदी पड़ी है, तो पृथ्वी इस पीड़ा को व्यक्त कर रही है नारायण से, और यही स्थिति नरक की स्थिति है। जो आज आप देखोगे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, वायु इतना प्रदूषित हो गया है, जंगल इतना कट रहा है कि वर्षा अभी सितंबर में अक्टूबर में वर्षा हो रही है सितंबर में यहाँ, जबकि सावन भादो में वर्षा होना चाहिए। हिमालय की बर्फ शिलाएं पिघलती चली जा रही है, गैस उत्सर्जन से जो है परिस्थिति चक्र पूरा गड़बड़ा रहा है। तो यही नर्क की स्थिति है, और भगवान ने नरकासुर के जरिए स्पष्ट किया है कि नर्क इसी पृथ्वी पर है, इसी पृथ्वी के गर्भ से नर्क का उत्पत्ति हुई है, और इसी पृथ्वी को लूटकर बर्बाद करके नर्क निर्माण आज का मानव कर रहा है। ये है उसका सूक्ष्म अर्थ। तो पृथ्वी चाहे भी किसी भी पुण्यात्मा भी रहे, लेकिन पृथ्वी को जो लूटा जा रहा है, और वो अगर शांत है, वो अगर नहीं विरोध कर रहा, तो भी पृथ्वी पर नरक का ही निर्माण हो रहा है। गैस मास्क लगाते लगाते कोरोना आपने देखा, नरक का निर्माण, गैस मास्क लगा के सब दौड़ रहे, चाइना से लेके अमेरिका तक ने नरक का निर्माण किया, परमाणु बम नरक का निर्माण किया, और अभी पेरिस जलवायु समझौता वो दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट्स जो है बढ़ा रहे हैं। बीस जो होता है, बीस के कारण जो पशुधन की हानि हो रही है, पशुधन डर से जो गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, उससे पूरा जो परिस्थिति तंत्र है वो गड़बड़ा रहा है। तो पृथ्वी की ये पीड़ा, यही पीड़ा नरक है, यही नरकासुर है। तो जो भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत महाबली असुर होगा, और इसलिए ब्रह्मा आदि अभी घबराए हुए हैं कि सृष्टि का निर्माण चल रहा है, सृष्टि के निर्माण के समय इस अनिष्ट को हम नहीं झेल पाए, इसलिए तुम्हारे गर्भ को रोका गया है, लेकिन मैं तुम्हारी पीड़ा हर लूंगा, ये तुम्हें अब गर्भ की पीड़ा नहीं होगी। और भगवान ने अपने पांच जन जो संख है उनके पृथ्वी से को हटाया, और पृथ्वी के की जो पीड़ा है वो चली गई। भगवान ने कहा कि 28वीं चतुर्युगी वाले त्रेता में तुम इस गर्भस्थ संतान को प्रसव दो। इतना लंबा, यानी पृथ्वी का, पृथ्वी जो है हमारी माँ, तो इसलिए धैर्य कहा गया है, पृथ्वी को धैर्य कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कितना लंबा वो पापियों को झेलती, कितना लंबा समय आज भी पृथ्वी झेलती। पृथ्वी से ज्यादा बड़ा धीरज किसी के पास नहीं, उस माँ से बड़ा धीरज किसी के पास नहीं है। वो अपने कोख में कितने कुसंततियों को पाले हुए, पूरी दुनिया में ये पूरा जो असुर राक्षस मलेच्छ यवन घूम रहे हैं, इस सब उनकी माता भी है। तो भगवान ने कहा कि त्रेता युग में तुम इसका गर्भस्थ संतान का प्रसव करोगी, त्रेता यानी राम के युग में। और उन्होंने कहा कि जब तक सतयुग समाप्त होकर त्रेता का अर्ध भाग नहीं चला जाता, तब तक गर्भ धारण किए रहो। सतयुग समाप्त होगा, उसके बाद त्रेता आएगा, और त्रेता का अर्ध युग बीत जाएगा, तब तुम्हें ये प्रसव होगा। इसका एक और भाव है कि सतयुग और त्रेता के आरंभ काल तक नरक नहीं था, पुण्यात्मा पुण्य ही पुण्य था, यानी मानव धर्माचरण करते हुए जी रहा था। इसका भगवान का जो कहना है, इसका है कि जब उधर रावण जन्म लेगा, पापी जन्म लेगा, तब यहां नरक जन्म लेगा, यानी राक्षस असुर के बाद इस पृथ्वी की दुर्दशा नरक जैसे हो जाएगी। त्रेता के आधे काल तक, यानी सतयुग का, सतयुग जहां सत्य का बोलबाला है, और त्रेता के आधे काल तक किसी नरक की आवश्यकता नहीं, नरक की आग में झुलसने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने रामायण की जो व्याख्या की थी आपको बालकांड में, कि अयोध्या जो प्रथम नगरी थी, उसमें हर मकान 7 मंजिला,
ये आज के क्या विकास करेंगे, ये दिल्ली देख लो, कहीं यहाँ अवैध प्लॉट है, कभी उधर अवैध प्लॉट काटा है, कभी यहाँ काटा, डीडीए ने तबाह कर दिया जब से दिल्ली बसी। वो थोड़ा सा कनॉट प्लेस और उसका जो ड्यूटियंस एरिया है वही दिल्ली चमकती दिखती है। पर अयोध्या 7 मंजिला इमारतें, सड़कों पर छिड़काव था, नारियां स्वतंत्र थी, सुंदर भारतीय, उसकी जो पूरी व्याख्या क्या है वाल्मीकि जी ने, यानी पृथ्वी के लिए कितना अनुकूल माहौल था। पर्यावरण, हर वृक्ष में परमात्मा, बरगद में आपको बद्री वन जो बताया, पेड़ के वन, आज बद्री वन काटे जा रहे हैं, तो कैला वहां जो प्रलय आया केदारनाथ में वो आएगा। बद्री वन हम कहाँ रह गए, बद्री वन, बद्री वन, पीपल में ब्रह्म, यानी प्रकृति हर तरह से खुशहाल थी, हर तरह से लहलहाती हुई थी, जिसके कारण त्रेता के आधा काल तक, उधर रावण के जन्म के बाद से असुरवाद का जन्म, और रावण से जन्म से थोड़ा पहले सहस्रार्जुन के जन्म के बाद, जिसको सहस्रार्जुन का नाश करने के लिए फिर भगवान विष्णु ने अपने अवतार परशुराम को भेजा। सहस्रार्जुन ने ऋषियों की पूरी व्यवस्था है, गुरुकुल की पूरी व्यवस्था है, गांवों की पूरी व्यवस्था है, उसको ध्वंस करने का जो प्रथम प्रयास था वो सहस्रार्जुन का। उसने गुरु दक्षिणा, गुरुकुल के लिए धन देना बंद कर दिया, जैसे आज आजादी के बाद से गुरुकुल के लिए कोई धन नहीं जाता, गुरुकुल खत्म। उसने गांवों को हाँक के गांवों को छीनना शुरू किया, जैसे आजादी के बाद से हमारे छीने जा रहे हैं। उसने आश्रमों के पर टैक्स लगाया, जैसे आज टैक्स लग रहे हैं धर्म पे, जैसे जजिया लगे और औरंगजेब के समय, ये शुरुआत किया सहस्रार्जुन ने। तो मानव इतिहास, पूर्ण संपूर्ण मानव इतिहास का, आपको अमेरिका ब्रिटेन भूल जाओ, अभी संपूर्ण सनातन ही था, और कल का अभी सुबह के एपिसोड में मैंने भूगोल समझाया। तो मानव इतिहास के प्रथम विद्रोही, जनता को लेकर शासक को चुनौती देने वाले परशुराम, जिन्होंने जनता की सेना बनाई, ब्राह्मण होके भी क्षत्रिय धर्म धारण किया और राज सत्ता के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और वो सहस्रार्जुन इतना मजबूत था कि रावण को भी उसने बंदी बना लिया, लेकिन त्रेता में रावण सबसे बड़ा आततायी तानाशाह पैदा हुआ। रावण का साम्राज्य मतलब अमेरिका का साम्राज्य, तानाशाह दुनिया को ध्वंस करने को लगा हुआ है। तब पृथ्वी को, तब नरक की आवश्यकता, क्योंकि नरक में रावण ने मानव जाति को झोंका, तब नरक जन्म लेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि सतयुग समाप्त होकर त्रेता का अर्ध भाग नहीं चला जाता, तब तक गर्भ धारण किए रहो, और जब तक तुम प्रसव काल में रहोगी तब तक तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, ये मैं तुम्हें जो है। और उन्होंने पृथ्वी को नाम दिया, हे वसुंधरे, तुम्हारा नाम धारित्री होगा, तुम्हारा नाम धैर्यशालिनी होगा, तुम्हारा नाम वसुमती होगा, क्योंकि तुम समस्त धन धन को निक्षिप्त किए हो, तुम धारित्री, तुमने पूरे मानव जाति को धारण कर रखा है, नरक तक को धारण कर रखा है, उस नरकासुर को धारण कर रखा है, आज मानव के नरक तक को तुमने अपने में धारण कर रखा है। हे वसुंधरे, तुम्हारा नाम धरित्री होगा, हे वसुंधरे, तुम धैर्यशालिनी कही जाओगी, तुमसे बड़ा धैर्य किसी के पास नहीं है, लोग पुण्य नहीं संभाल पाते तो पृथ्वी के अपने गर्भ में पाप संभाले। भगवान उस जन उनको तो वो तो त्रिका वही दुनिया वही बनाया उन्होंने, तो जानते थे कि मनुष्य तो कैसे आने वाला है कली कली काल में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे वसुंधरे, ये क्या पीड़ा है, कलयुग में तो और बड़ी पीड़ा है। तो इसलिए कथा के स्थूल के साथ सूक्ष्म भाव भी हैं, उसी को पकड़ना है तो पुराण से सुंदर कथा आपको तो कहीं मिलेगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग के मध्य भाग में रामचंद्र जब रावण का वध करेंगे, तब तुम्हारे रावण के वध से के समय उससे पूर्व जो है तुम्हारा बालक जन्म लेगा, क्योंकि तब नरक की आवश्यकता हो, क्योंकि वो त्राही त्राही मचाएगा। भगवान ने ये बात कह दिया। अब सतयुग भी, त्रेता युग भी था। त्रेता युग में जो है
मिथिला में जहां से मैं आता हूँ, राजा जनक जो भगवान राम जी के ससुर थे, राजा जनक का राज धर्म का राज्य था। और वहां पर माँ सीता जब उत्पन्न हुई तो उस समय पृथ्वी भी आई और पृथ्वी ने कहा कि इस कन्या के कारण ही मेरा भार दूर होगा, मेरे गर्भ में जो पल रहा उसका भार दूर होगा, उससे छुटकारा पाऊंगी, क्योंकि इस कन्या के कारण असुरों का रावण का वध होगा, कुंभकर्ण मेघनाद ये पूरा असुर जाति जो है, और तुम्हें कन्या का बड़ा आनंद मिलेगा। और रावण के मृत होने पर जो है, अब रावण मरा, मृत होने पर तो मैं प्रसव करूंगी तुम्हारे यज्ञ क्षेत्र में जो है, और फिर जो है तुम उसका पालन करना। रावण के समय नरक पड़ता गया, मरने के बाद सब नरक में, इसके सूक्ष्म भाव यही है, नरक पृथ्वी पर यही सूक्ष्म भाव। तो तुम इसको, तो राजा जनक ने कहा हाँ क्यों नहीं, आप माता है, आप माँ हैं, आपका जो आदेश हो। और पृथ्वी के वर्ण का यानी रंग का वर्णन हुआ है कि वो नील कमलवत श्यामला थी, पृथ्वी रंग श्यामला जो है, बादल जब बादल उमड़ती है पृथ्वी के रंग श्यामल ही है, तो नील कमलवत श्यामला थी, दीर्घ बाहु युगल में मृणालवत शुभ्र वर्ण थी, और फसलें आदि जब लहलहाने लगती है तो कितनी शुभ दिखती है पृथ्वी। तो जनक ने उनको प्रणाम किया, और समय आने पर रावण का वध किया भगवान ने, और उस समय जो है जनक राज की यज्ञ भूमि में पृथ्वी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, और पृथ्वी ने नारायण को याद किया, नारायण ने उनको वरदान दिया था कि जब भी तुम याद करोगी मैं आऊंगी, यानी जब भी पृथ्वी अधिक पीड़ा में होगी नारायण बार बार अवतार लेंगे, मतलब नारायण जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई, कहा कृष्ण तब तक वो आएंगे। ये तो पृथ्वी को वरदान दिए हुए कि जब भी तुम पुकारोगी मैं वहां आ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा नारायण ने कि पृथ्वी को आशीर्वाद दिया, बालक को देखा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा पुत्र मनुष्य भाव का आश्रय लेकर रहेगा तब तक सुख पूर्वक राज करेगा। अब ये कितनी सुंदर बात कही, और तुम्हारा पुत्र मनुष्य भाव प्रकट करता चिरकाल तक विज्ञ लोगों को कुछ दुखी देगा, यानी जब तक मनुष्य के अंदर मनुष्यता जीवित है उसका जीवन स्वर्ग है, जिस वक्त मनुष्य अपनी मनुष्यता छोड़ता है असुर प्रवृत्ति को धारण करता है उसका जीवन नरक है। जब तक तुम्हारे पुत्र के अंदर मनुष्य भाव रहेगा वो सुख पूर्वक राज्य करेगा, यानी मनुष्य भाव के साथ आप आनंद के साथ जीवन जिए, लेकिन ज्यों ही आपको आपके अंदर असुर भाव आ गए आप नरक गामी हो गए। ये कथा के जरिए विष्णु कितना सुंदर समझा रहे हैं कि आपके अंदर अपने मनुष्य भाव को मत छोड़ना, जो मनुष्य के गुण है उसको मत छोड़ना, मनुष्य गुण छोड़ते ही असुर प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर विकसित होगी, और फिर वही असुर प्रवृत्ति तुम्हारा नरक है, उसी में जो तुम घृणा में जुड़ोगे, क्रोध में जुड़ोगे, काम में जुड़ोगे, वही तुम्हारा नरक है। तो उन्होंने ये बात कहा, और जब भी तुम्हारा पुत्र मनुष्य भाव का त्याग करेगा उसका जीवन समाप्त छीन होता जाएगा, यानी मनुष्य भाव समाप्त होते ही आज असुरों को देखिए, मिस मलेच्छों को, कि वो लोग एक सुई तक नहीं बना पाते, जीवन में कुछ नहीं बना पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए तो उनके पक्ष में खड़े होते हैं, तृप्तिकरण चलता है और पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन मानवता के विरुद्ध उनको साफ देखा जा रहा है, वो नरक है, जीवित नरक है।
आज कोई हवाई जहाज में वो जाए, उनको लोग देख के लोग कहते हैं साइड हो जाओ, वो जीवित नरक है। तो जब तक मनुष्यत्व है आप मनुष्य हैं, जहां असुरत्व आ गया आपसे मनुष्य दूर होने लगेगा। पॉलिटिकल लोगों का बात छोड़ दीजिए, वो एक नया ही वर्ग है, वो असुर और पशु का मिश्रित वर्ग है, पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, पर आज वास्तव में आम लोग दुनिया में, और ऐसा ही कभी यवनों के कारण भी है। तो जब जब जो भी अपने मनुष्यत्व को छोड़ेगा उससे पृथ्वी त्राहि त्राहि करेगी, और पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है, विष्णु यही कह रहे हैं कि मनुष्यत्व को छोड़ते ही इसका नाश होगा और इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर होगी, यानी कि आसाम, जो तंत्र की भूमि है। उन्होंने कहा कि प्राग ज्योतिषपुर में जो है इसकी राजधानी होगी। उसके बाद राजा जनक कहा वो पढ़ने लगे, पृथ्वी भी माँ की ममता थी तो पृथ्वी भी धाय के रूप में उनके यहाँ नौकरी पाकर अपने बच्चे को पालने लगी, धाय कात्यायनी के रूप में वहां जो है वो। और वो जो है जनक ने जो पालना शुरू किया तो वो बहुत वीर बलशाली, तो विष्णु का अंश था, तो जनक की या उनके भाइयों की अपनी संतति आदि उतनी बलशाली नहीं जितना, तो बहुत बलशाली, और वो बढ़ता चला जा रहा था गदा युद्ध में, कोई उसके बराबर नहीं, रूप में कोई उसके बराबर नहीं, बल में उसके कोई बराबर नहीं, धनुर विद्या में उसके कोई बराबर नहीं। 16 साल की आयु होते होते वो पूरे शास्त्रज्ञ, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, सब विद्या में पारंगत हो गया, इतना बलशाली। उसको देख के थोड़ा सा जनक जी को ये लगता था कि ये तो मेरे से पास से चला जाएगा, उनको पीड़ा होती थी, और उस पीड़ा को देख के धात्री पृथ्वी को भी बड़ा दुख होता था कि जनक जी को पीड़ा हो रही है। तो एक दिन पृथ्वी जो है उसको अपने साथ कहीं, वो गंगा स्नान को जा रहा था नरक, तो पृथ्वी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती। उसका नहीं, आप क्यों जाओगे? तो बोले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जब गंगा किनारे पहुंचे तो पृथ्वी ने सारी कथा सुनाई कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम विष्णु के पुत्र हो, विष्णु के वराह रूप के पुत्र हो, तुम जनक के पुत्र नहीं हो, जनक तुम्हारे सिर्फ पालक हैं। और सारी कथा उन्होंने सुनाई। उस समय तो मनुष्यत्व भाव था, उसने कहा मैं कैसे मानूं, जनक ही मेरे पिता हैं। तो पृथ्वी ने अपने रूप परिवर्तित करके दिखाया, कात्यायनी धाय के रूप से वो वापस अपने दिव्य रूप में आई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो विष्णु को भी आप बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगा, इस संबंध में आपको साक्ष्य दीजिए। तो वो प्रकट हुई, अपना उन्होंने अपना रूप दिखाया। फिर उन्होंने कहा, मार्कंडेय ऋषि कथा सुना रहे करें कि मांस भक्षण तक करता था मनुष्यों को, यानी असुर यानी राक्षस जाति, और पृथ्वी बहुत दुखी होती थी। पृथ्वी 5 योजन भीतर, यानी आप आज भी देखते हो जब खनन होता है, आप जाओ जंगल क्षेत्र में जाओ, जो कोयला क्षेत्र है में जाओ, जिंक क्षेत्र है जहां जाओ पृथ्वी को, या फिर हमारे जो राजस्थान में आप जाओ जहां पे मार्बल्स निकाले जा रहे हैं, कितनी गहरी होती चली जा रही है, कितनी धसती चली जा रही है। धसाव ही तो हुआ था केदार में, तो पाप कहते हैं पाप के बोझ से पृथ्वी धसती है, पाप के बोझ से पृथ्वी धसती है, यानी कि जब आप पृथ्वी को का शोषण करते हो तो पाप बढ़ता है, यानी जब उसके खनन, उसके पूरे खनिज संसाधन को लूटते हो, वृक्षों को लूटते हो, मिट्टी का कटाव, उसके स्मगलिंग हो रहा, बालू का कटाव, उसका स्मगलिंग, पत्थर का कटाव, उसका स्मगलिंग, कोयला, जिप्सम, जिंक, ये जो आप पृथ्वी के गर्भ को नोच रहे हो, पृथ्वी की पीड़ा बढ़ रही है, पृथ्वी धसती जाती है। और इसीलिए कहा गया कि पाप में पृथ्वी धरती, यानी पाप यानी किसी चीज की अति से पृथ्वी के कोख से निकालना, पृथ्वी को पीड़ित करना। तो रावण के पाप के भार से, अब सोना था तो कहां से पृथ्वी, उसको सोना कहां से मिला, लूट के ही वो। तो पृथ्वी 5 योजन अंदर चली गई,
और उसके बाद जो है रावण का भगवान ने वध किया, तो पृथ्वी ने कहा कि विष्णु ने कहा था कि रावण वध से जब पृथ्वी भार रहित हो जाएगी, पृथ्वी जब भार रहित हो जाएगी तब उसका जो नरक का पुत्र है रावण वध के बाद उसका पूरा विकास होगा, तो वही माँ अपना बता रही है। फिर जो है नारायण का की स्तुति हुई कि आप ही प्रमाण दीजिए। आज भी होता है ना कई बार अमेरिका अमेरिका में क्या होता है, माँ से पुत्र प्रमाण मांगता है, बताओ किसके पुत्र हैं ये, तो मेरे दो दो बाप, मेरे चार चार बाप, कहते नहीं स्टेप फादर, ढेकना फादर, फलावा फादर, पता ही नहीं चलता किसके पुत्र, पुत्र किसी का रह किसी के साथ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, है ना, तो बाप बेटे ने सबूत मांग। तो विष्णु प्रकट हुए और विष्णु ने पूरी कहानी बताई कि हाँ तुम मेरे ही पुत्र हो, वराह रूप में जब मैं था। और फिर विष्णु ने कहा आंख बंद करो, और भगवान विष्णु ने जो है शंख का अग्रभाग उसको छुड़ाया और दिव्य दृष्टि हुई, और उसने देखा वो इतने सवाल कर रहा था कि भाई मैं कैसे तुम लोगों का पुत्र, उसको दिव्य दृष्टि देकर विष्णु भगवान ने भगवान को भी प्रमाण देना पड़ा। जो हम लोग त्रेता युग में देखते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा में सीता को प्रमाण देना पड़ा, तो यहाँ भगवान को प्रमाण देना पड़ा नारायण को प्रमाण कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, शक करने की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो, और वो उसको प्रयाग ज्योतिषपुर ले गए, आसाम जो ले गए। वहां पर उस समय किरातों का शासन था और उस पूरे क्षेत्र की जो अधिदास देवी थी कामाख्या देवी थी, और ये पूरा जो कामाख्या क्षेत्र को महादेव ने अपने पुत्र जो भविष्य में होगा उसके लिए पूरा गुप्त क्षेत्र बना रखा, यानी इस पे आक्रांताओं का किसी की नजर ना पड़े, किसी रावण की नजर ना पड़े, किसी असुर की नजर ना पड़े, और कामाख्या देवी उस आसाम की सुरक्षा करती, वो वहां की देवी थी। तो किरातों के साथ युद्ध जो है, अब उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने कि ये अब तुम्हें प्रायः ज्योतिषपुर पर ही तुम्हें शासन करना है, तो किरातों को परास्त करना होगा। और किरातों की जबरदस्त सेना थी, उन्होंने अपनी चतुरंगनी सेना से नारायण और नरक पे आक्रमण कर दिया। नारायण थोड़े घायल हुए, नरक को कहा कि तुम युद्ध करो, यानी उसका बल पराक्रम कौशल देखने के लिए, हर पिता अपने पुत्र का बल पराक्रम कौशल देखना चाहता है, प्रसन्न होता है। तो नरक ने उसको न सिर्फ पराजित किया बल्कि पूरे उसके क्षेत्र से बाहर उसको धकेल दिया किरातों को। और दिक्कर वासिनी क्षेत्र, एक और देवी दिक्कर वासिनी देवी तक, उस पूरे तक क्षेत्र को नरक ने जीत लिया, नरकासुर ने। नर अभी तक नरक नाम ही है, असुर अभी प्रवृत्ति उसके अंदर अभी मानव की ही है, और उसके सारे धन को उसने पर कब्जा कर लिया, सारे क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया। भगवान ने कहा कि करतोया नामक गंगा यहां पूर्व दिक भाग में प्रवाहित हो रही है, ललिकांता देवी के तक पूरा क्षेत्र अब तुम्हारा है, तुम यहाँ के शासक होगे, और योग निद्रा कामाख्या जो है वो विराजमान है, देवी शक्ति जो है योग निद्रा है, ये आपको लगातार बताते आ रहे हैं। योग माया है, स्त्री माया है, पूरा जो सृष्टि माया से ही चालित है, स्त्री प्रकृति है, पूरी सृष्टि प्रकृति से ही चालू है, ये बार बार मैं आपको बताते आ रहा हूं पिछले एपिसोडों से। योग निद्रा के रूप में कामाख्या, और जो सती की के अंग को जो उस समय काटा था महादेव जब विलाप कर रहे थे, तो माता सती की जो है योनि वो इस क्षेत्र में गिरी थी, तो इस क्षेत्र में शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, और वो जो परब्रह्म की योग निद्रा है कामाख्या वो यहाँ विराजमान थी। ये पूरा उस समय तंत्र रहस्यमय स्थल था, आज हम आसाम चले जाते हैं, आज भी तो इस सरकार में थोड़े हवाई जहाज रेलवे आदि का सुविधा बढ़ा और सब जुड़ा, वरना आज भी नॉर्थ ईस्ट जाना मुश्किल है। तो पूरा ही
अदृश्य क्षेत्र था और रहस्यमय क्षेत्र था, चारों तरफ रहस्य ही भरे हुए थे। आज भी आप देखोगे कि माता कामाख्या का वहां जो मूर्ति, वो योनि रूप में है और वो जब रजस्वला होती है तो मूर्ति से रक्त के धारा निकलती है। आज भी वो इतनी जीवंत माता है। और मेला लगता है जून उन के महीने में, करीब मेला लगता है, वहां जाना चाहिए। और जो मुझे मोटा मोटा ध्यान है, और वहां रजस्वला होती है और कोई नहीं ढूंढ पाया ये बड़े वैज्ञानिक और क्या कि रक्त का स्राव हो कहां से रहा। तो अध्यात्म की अपनी एक एक अलग भूमि है, उसको आप साइंस साइंस से जो प्रूव कर दिया तो अध्यात्म के वो तो बल्ब का खटका हो गया फिर। और इस पूरे क्षेत्र में भविष्य में कार्तिकेय आने वाले हैं, तो इस पूरे क्षेत्र में ब्रह्मा ने एक प्रांग नक्षत्र का सृजन किया था और इंद्रपुरी जैसा एक प्रयाग ज्योतिषपुर को बनाया था, इंद्र के समान सुरक्षित जो है। तो राजा, तो विष्णु जी ने कहा कि अब तुम यहां पत्नी पानी ग्रहण करो और तुम राज करो, यहां पर पुत्र आदि को जन्म दो। और विष्णु ने फिर उनको वहां राज दिया और उसके बाद वहां से निकल गए। तो ललिकांतर से लेकर पूर्व भाग की ओर सागर पर्यंत की भूमि किरातों का आवास स्थल बनाया और ललिकांतर से पश्चिम भाग की सारी सीमा करतोया नदी तक कामाख्या देवी का आवास पूरा जो है, तो पूरे क्षेत्र का विभाजन और वहां नरकासुर शासन करने लगा। और वहां पर जो है उस समय तक वेद आदि का अध्ययन नहीं होता था, वहां उस पूरे क्षेत्र में तंत्र आदि का बोलवाला था। तो नरक को कहा विष्णु भगवान ने कि अब तुम्हें यहाँ वेद धर्म की स्थापना करनी है। तो किरातों को भगाकर वेद शास्त्र का अध्ययन शुरू किया, द्विजों को बसाया गया, ब्राह्मणों को बसाया गया वहां, यज्ञ आदि की व्यवस्था किया गया, मुनिगण के लिए आवास बनवाए गए वहां। पूरा नगर का वैदिक रीति से नरक ने पूरा विष्णु भगवान के आदेश पर वेद का अध्ययन शुरू हुआ। दान दान से धर्म बढ़ता है, ये कलयुग हर युग के लिए कहा गया कि जितना दान होगा उससे धर्म बढ़ेगा। तो दान की व्यवस्था की गई, ब्राह्मणों को दान की व्यवस्था की, तो पूरा वैदिक नगर की स्थापना हुई जो तब उससे पहले नरक से पहले नहीं था। तो इतना वेद परायण वो क्षेत्र हो गया, यज्ञ ब्राह्मणों के निवास आदि, कि देवतागण भी उस प्रयाग ज्योतिषपुर में आकर रहने लगे, वो भी वहां से छोड़कर नहीं जाते थे, नरक ने उसको इतना सुंदर बनाया। तो नरक मनुष्य भाव में आप किसी चीज की कितनी सुंदर रचना कर सकते हैं, अभी तक उसके अंदर मनुष्य भाव है। और बाद में इसने माया नामक एक विदर्भ राजकन्या के साथ विवाह किया, उसका विवाह संपन्न हुआ, स्वयं ऋषिकेश भगवान विष्णु ने उसके राज्याभिषेक किया और उसके लिए पुरी का निर्माण कराया भगवान विष्णु ने, जो एक पिता का पूरा कर्तव्य होता है, ये सारा जो है उन्होंने कराया जो है। और उसके बाद भगवान विष्णु ने कुछ पृथ्वी के समक्ष कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को मैंने स्थापित कर दिया, एक नियम बनाया और नियम बनाया कि इस नियम को अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा अंत होगा। तो नियम क्या था, अब वो नियम सुनो। यह शक्ति तभी मनुष्य, और एक शक्ति का बांध दिया, वो परम शक्ति का बांध दिया ताकि वो कभी पराजित ना हो। मनुष्य को भगवान विष्णु का सर्वप्रिय, देवताओं से भी ज्यादा प्रिय मनुष्य है, ये कहा है शास्त्रों में। अगर आप अपने मनुष्य भाव के साथ रहते हैं तो परमात्मा हमेशा सहाय रहेंगे, लेकिन आप अपने अहंकार में असुरत्व को धारण करते हैं तो आपकी अधोगति से आपको कोई नहीं बचा सकता। मुगलों का कहाँ है अब तो दल, अब मुगल तुर्कुल कहाँ है बताइए जरा, इतने साल भारत को लूटा कहाँ है, वंशी खत्म हो गए सब। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि तुम चिरकाल तक बचे रहने की, जब तक ब्राह्मण मुनिगण के प्रति तुम्हारा आचरण विरुद्ध नहीं होगा, तुम चिरकाल तक जीवित रहोगे और धर्म के काम करते रहोगे। राजा तथा देवताओं के साथ भी विरुद्ध आचरण कभी मत करना। इस अजय महादुर्ग में सदा निवास करना, यह अजय है, जब तक मनुष्य गुण रहेगा तुम सदा निवास करोगे। और अपने भोग विलास
विवाह आदि के साथ चैन से रहो। बस ब्राह्मण मुनिगण यज्ञ वेद अध्ययन आदि को छेड़ना मत, ये सब निरंतर चलते रहने देना। और मेरे कहे नियमों के अगर विपरीत तुम गए उसी दिन से तुम्हारा नाश आरंभ हो जाए, यानी तुमने मनुष्यत्व का भाव छोड़ा उसी दिन से तुम नर्क ओरिजिनल नर्क हो जाओ। वहीं से नर्क की उत्पत्ति जो है कि नर्क का स्वभाव मनुष्य का स्वभाव के विपरीत जो भी है वो नरक का स्वभाव। और फिर जो है भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान करते हैं, उसके बाद नरक वेद शास्त्र का पारदर्शी हो गया, वेद का बहुत बड़ा विद्वान, ब्राह्मणों के प्रति कर्तव्य में रत, बहुत नम्र, दान में हमेशा अपना खोले ही रखता था, इतना दान करता था, कामाख्या देवी की घंटों आराधना करता था, उनका पूजा नीलकूट पर्वत पे उसने जबरदस्त महल सब कुछ, उसने इंद्र के समान देवता भी वहां के रहते थे, इतना सुंदर राज व्यवस्था उसने स्थापित किया नरक ने। जब त्रेता व्यतीत हो रहा था और द्वापर का अंतिम काल चल रहा, त्रेता यानी राम जी का समय का अंतिम जो है व्यतीत हो गया और द्वापर चल रहा था यानी कृष्ण का समय चल रहा था, तब सोनितपुर में वानासुर ने जन्म लिया और वो भगवान शिव का भक्त था, बहुत बलशाली था, उसका अग्नि नामक एक नगर था और वो भी बड़ा धर्मपरायण था, बड़ा ही प्रतापी था। उसकी मित्रता नरक के साथ हुई, विशेष अनुग्रह व्यवहार करते एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम बढ़ता गया और महादेव की आराधना से वान अभय मतलब भय रहित हो गया था। तो महादेव आज भी अरब प्रदेश में महादेव की पूजा से, तो आप देखिए भयहीन वो हो गए, तो महादेव की पूजा से वो भयहीन हो गया था, उसके पास भय नहीं था, वो किसी को भी सता भी, धर्मात्मा था महादेव की पूजा। उसके बाद वो जैसे रावण हर महादेव का जो महादेव बहुत भोलेनाथ है सबको सब बांटते, उनसे बड़ा साम्यवादी व्यवस्था दुनिया में नहीं है कोई, सब सांप भी चूहा भी उनके दरबार में रहता है, सब एक साथ रहता है। तो वानासुर जब ने महादेव का वरदान पाके वो थोड़ा उसके अंदर असुर प्रवृत्ति आ गई कि अब किसी देवता को मैं क्यों पूजूं, महादेव ही मेरे वशीभूत हैं, विष्णु कौन होते हैं, ब्रह्मा कौन होते हैं, छोड़ो। आज आप देख रहे हो, आप जो कह रहे हो कि क्यों बलशाली है, वो जो अरब में वो जो मंदिर है जहां ये जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, कहने को ये मूर्ति पूजक नहीं है, सबसे बड़े मूर्ति पूजक हैं, महादेव राजा भोज को कहते हैं ये बलशाली होते रहेंगे क्योंकि महादेव को पूज रहे हैं। और महादेव तो इससे त्राण करने के लिए फिर विष्णु ही अपना एक लीला रचेंगे। तो वानासुर महादेव के कारण बहुत बलशाली हो गया था और उसके अंदर अहंकार भाव असुर भाव आ गया और उसको इस तरह से निर्भय होकर घूमता देखता, इधर नरक माँ कामाख्या की पूजा कर रहा है, वो पूजा पाठ में है, धर्म परायण है, और इसको देखता ये तो कहीं कुछ करता है नहीं और क्या दिग्विजय पताका फहरा रहा है ये क्या आ रहा। तो संगत खरबूजा कहते हैं, खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, इसलिए यहाँ संगत आप उनसे ही करें, सत्संग करें यानी अच्छा संग करें, अपने पुत्र को पुत्री को अच्छे संग की शिक्षा दें ताकि वो लव जिहाद में ना फंसे, पुत्र हो या पुत्री। जब तक आप अच्छा संग नहीं करेंगे, अच्छा संग करेंगे तो आपके उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, बुरा संग करेंगे तो आपकी उत्तरोत्तर अवनति होगी। और वान के प्रभाव में नरक ने देखा कि अरे मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, ये तो आराम से घूम रहा है, जैसे सिनेमा वालों के प्रभाव में आ जाते हैं हमारे बच्चे बच्चियां, माँ बाप खुद ही आ जाते हैं, सीरियल के प्रभाव में आते रहते हैं। अच्छा संगत खराब है, चार कोई सिगरेट पीने वाला है तो सिगरेट का संगत हो गया, दारू पीने वाला है दारू का संगत है, चोर है चोर का संगत हो गया, भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचारियों का संगत हो गया। तो जैसा संगत होगा सोशलाइजेशन में ये बहुत बड़ा पार्ट है कि आपकी संगति कैसी है, गुटखा खाने वाले के साथ है तो गुटखा ही खाओगे,
जैसा संगति होगा वैसा असर होगा। तो बाण की संगति में नरक में दोष उत्पन्न होना शुरू हो गया। उसने पूजा पाठ छोड़ा, उसने जो है उसने कहा महादेव है तो विष्णु की क्यों पूजा करनी, तो इसने भी अपने पिता विष्णु की पूजा छोड़ दी। अरे महादेव है तो पृथ्वी की क्यों पूजा करना, इसने पृथ्वी की पूजा छोड़ दी। महादेव है तो कामाख्या की क्यों पूजा करना, ये कामाख्या की पूजा छोड़ दी। ये क्या जरूरत है इन पंडितों का, ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद, ये असुर प्रवृत्ति है। ब्रिटिशर्स तथा कथित दलितवादी खड़ा जो हुए, जो बड़े लोगों ने जिनको पढ़ाने के लिए भेजा और यहाँ आकर दलितवादी पैदा होने लगे, और आजादी के बाद संविधान से लेके और आज तक के नेता गांधी तो अभी तक के नेता सब भगा पाए ब्राह्मणों को यहाँ से। ये क्या वेद यज्ञ करते हैं, पैसा ठगते हैं तुमसे, दक्षिणा लेते हैं तो ब्राह्मण को 2 रुपया दक्षिणा देने में अखड़ता है और वहां जाकर दान पत्र में देते हैं और सरकार लूट के हरे चीजों का तृप्त कर देती है, लीजिए आपका पैसा। और कहा गया है कि जिस उद्देश्य से आप धन दे रहे हो यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो आपकी हानि होगी, हिंदुओं की हानि हो रही है, क्योंकि जिस मंदिर में वो देवता के लिए चढ़ा रहे हैं, विष्णुवादी के लिए चढ़ा रहे हैं, उस पैसे का उपयोग तृप्तिकरण योजना में हो रहा है, तो उसकी जो उसका दुष्प्रभाव है वो आपके व्यक्तित्व पर भी आता है। जिस उद्देश्य के लिए धन दिया गया है उस उद्देश्य की यदि आप पूर्ति नहीं करते तो उसका दुष्प्रभाव आप पर परिलक्षित होगा ही। इसलिए मंदिर में जो आप धन चढ़ा रहे हो, पर्ची कटा रहे हो, उसके दुष्प्रभाव आपको कि हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं जी और हमारे घर में ये हो गया जी, वो उसके दुष्प्रभाव रिएक्शन, क्योंकि आपके धन से आपके धर्म की हानि करने वाले लोगों का परिपोषण कर रही है राजसत्ता, इसलिए आपका हानि भी उस परिपोषण में, उस असुर मलेच्छों के परिपोषण में आप भी अप्रत्यक्ष रूप से भागी हैं। तो ब्राह्मणों को हटा, ये बाण ने कहा, और नरक ने ब्राह्मणों को हटाना शुरू किया। वेद शिक्षा खत्म करो, वेद शिक्षा खत्म करना शुरू किया। हटाओ ये क्या देवता पूजे जा रहे, हटाओ महादेव काफी है, और असुरवाद अभी भी अरब में महादेव को पूज रहे हैं, बाकी मंदिर तोड़ रहे हैं, दुनिया भर में वो मंदिर तोड़ रहे हैं। उन्होंने काफिर कहा, मंदिर तोड़े, मूर्ति उखाड़े, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ, उनसे तो आशीर्वाद मांगोगे देंगे ही देंगे, वो तो उनसे सुंदर देवता वो तो देंगे ही देंगे। आप यहां भी आप देख लीजिए जो मंदिर सब तोड़े जा रहे हैं, भोलेनाथ के नाम पर इतने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लाइन बनारस से लेके उज्जैन से लेके सब जगह तोड़े जा रहे हैं, आप देखते जाइए। तो वो जो वाण है वो आज के अरब से लेके भारत तक आपको दिख रहा है। इसलिए पुराण भविष्यदर्शी जो सब लिखा हुआ है उसमें, अब बाण के कारण इसने जो है। तो एक दिन वशिष्ठ मुनि कामाख्या देवी के दर्शन करने आए, तो कहा अरे ब्राह्मण, वही ये ब्राह्मण फिर पहुंच गया यहाँ पूजा करने, फिर ये धंधा करेगा मंदिर में, हटाओ हटाओ इसको। और वशिष्ठ को कामाख्या देवी का दर्शन उसने नहीं कर दिया, ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणवाद की शुरुआत बाण ने कर दी थी, तो नरक जो है उसके प्रभाव में आता चला गया, उसने वशिष्ठ को प्रवेश नहीं करने दिया। अब जब वशिष्ठ को प्रवेश नहीं करने दिया तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम महातेजस्वी वराह के औरत पुत्र हो, पृथ्वी के गर्भ से निकले हो, तुम ब्राह्मण के साथ अपमान कर रहे हो। बोला भाग ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों ने ही तो इतना सब दलितों आदि का शोषण किया, दुनिया का शोषण किया, अंग्रेजों ने कोई शोषण नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया, तुर्कों ने नहीं किया, संविधान ने नहीं किया, राजसत्ता ने नहीं किया, एक ही जाति ने सबका शोषण कर लिया, तो तू शोषक वर्ग से है, भाग जाए यहां से। वशिष्ठ को तो वशिष्ठ ने जो है श्राप दिया कि हे पापी, तुमने जिसके औरत से जन्म लिया है यानी जिसके वीर से जन्म लिया है वही महात्मा मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारा शीघ्र विनाश करने करेंगे, वही महात्मा यानी विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। हे पापी, तुम्हारी मृत्यु होने पर ही मैं जगन माता कामाख्या की पूजा करूंगा, चाणक्य की तरह कहा, चाणक्य भी ब्राह्मण था, नंद को उखाड़ के कर।
कि जब तक तुम्हारा नाथ नहीं होगा मैं मां का मख्या आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा जब तक इस पापी का नाथ नहीं हो जाए। नंद ने के दरबार में क्या कहा था जनक को, सिखा नहीं बांध। इसीलिए प्रॉब्लम है ब्राह्मण को, क्योंकि वो इसलिए शुंग ब्राह्मण माधवाचार्य हरियर बुक्का का साम्राज्य रसमर्द गुरु रामदास शिवाजी का साम्राज्य, ये इसीलिए प्रॉब्लम है कि खड़ा बाजीराव 42 युद्ध हारा ही नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है कि खड़े न हो जाए। अब वशिष्ठ ने अपने वो किया और जब तक तुम जीवित हो मैं यहां माता कामाख्या अंतर्धान हो जाएंगी, यानी माता कामाख्या भी यहां नहीं दिखेगी। देव श्राप दे दिया वशिष्ठ। अच्छा नरक के अंदर थोड़ा मनुष्य वृत्ति तो था, देव देवता के विष्णु के अंश से पैदा हुआ था पृथ्वी के, उसको भय हो गया, दौड़ा दौड़ा गया कामाख्या मंदिर देखने, कामाख्या भी लुप्त हो गई थी। अब उसके जो है उसके राज्य की क्षति होनी शुरू हो गई, ना वहां वेदों के उच्चारण होते मनुष्य, ना वेदों के उच्चारण करते, राज्य की क्षति उसकी खुद की, उसका जो ऑरा था वो कम होने लगा, राज्य में संकट होने लगा। वो जो है लोहित नदी यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नष्ट होने लगी, शायद गंगा नष्ट होती है, राज में अकाल लोग मरने लगे। तो वान उसका प्रिय बंधु था, तो वान के पास जो अपने दूत भेजा उसने, कहा कि देखो ये क्या हो रहा है। तो वान को उसने सारी दूत भेजा, वान वहां से आया दौड़ दौड़ा, वान ने कहा कि कैसे हुआ, तो उसने अपनी कथा सुनाई कैसे थे वशिष्ठ ने ये कह दिया। वान ने कहा ये सब विष्णु की चाल है, तुम उसको पिता कहते हो, सारे असुर विष्णु से क्योंकि विष्णु पालक है, वो जगत को उबारने आ जाते और विष्णु ये सब इंद्र के लिए करते हैं। उन्हें उसने कहा वान ने ये सब जो है ये सब विष्णु का किया धरा है और ये सब इंद्र के लिए कर इंद्र के लिए कर रहे हैं, उसको तुम्हारा ऐश्वर्य सहन नहीं हो। मित्र दुर्योधन और कर्ण की तरह मित्रता थी, मित्र तुम्हारा ऐश्वर्य विष्णु से सहन नहीं, इसीलिए उसने ये सब किया है। और जो भी राजा विष्णु की मतलब इंद्र के समान पहुंचने लगता है विष्णु उसका नाश कर देते हैं, उसका अनिष्ट कर देते हैं, तो ये विष्णु ही कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने इष्ट देव की के बिना ऐश्वर्य नहीं मिलेगा और विष्णु तुम्हें ऐश्वर्य देंगे नहीं। तुम कहते विष्णु तुम्हारे पालक हैं, कैसे पालक हैं तुम्हारे, और विष्णु ने तुम्हें जो वरदान दिया था मनुष्य के रूप में कि तुम ऐश्वर्य करोगे, उसमें उन्होंने एक छेद कर दिया था मित्र, इसलिए वो तुम्हारे शत्रु हैं, पिता नहीं है तुम्हारे। क्या छेद कर दिया, तो ये वर दिया था कि तुम ब्राह्मण आदि की जब तक सेवा करोगे तो मृत्यु नहीं होगी। अरे वो ब्राह्मण बात पढ़ाने वाला है विष्णु, ये जो तुमको छेद कर दिया कि ब्राह्मण आदि की सेवा, और तुमने ब्राह्मण की सेवा नहीं की तो इसलिए वो जो है तुम्हारे ये हो रहा है, ये सब ब्राह्मण बात मित्र, ये ब्राह्मण बात है, जैसे आज नहीं हो रहा, आज भी तो वही हो रहा है। SC ST एक्ट दोबारा लागू करो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटो, जिसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा संविधान में आके थ्योरी दे दी किधर, और पूरी थ्योरी गलत है उनकी, उसे प्रकल्पना जो दिया अस्पृश्य कौन अंबेडकर जी की किताब पढ़ लीजिए, वो कहीं से साबित नहीं कर पाए कि ब्राह्मण ने अस्पृश्य बनाया, बस उन्होंने एक हाइपोथेसिस गढ़ दिया कि बौद्ध थे, क्योंकि बौद्ध गाय का मांस खाते थे, चमड़ी उतारते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको किनारे पर गांव के रख दिया और इसलिए उनको अछूत बना दिया। तो बौद्ध तो अहिंसावादी थे महोदय, कैसे गाय का मांस खाते थे, कैसे चमड़ी उतारते थे, तो पूरी प्रकल्प उकार है कि हम इसको साबित नहीं कर पाए। खुद उन्होंने कहा पढ़िए उनको, मैं तो यही दिक्कत है मेरी कि मैं तो सबको पढ़ लेता हूं। तो उन्होंने कहा मित्र ये हरि की कुटिलता है, उन्होंने तो तुम्हें कहा ब्राह्मण उड़न के चक्कर में फंसा दिया, तुमको कहां फंसा दिया, तो अब तुम्हारा उदासीन होना सही नहीं है। ये जो तुम
तुम भौम हो, यानी भौम यानी भूमि के पुत्र हो। तुम इस तरह से घबराओ मत, तो तुम तपस्या करो। बाण की बात से नरक प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा मित्र तुम तपस्या करो, और विष्णु तुम्हारे आराध्य नहीं। नरक ने भी घोषणा कर दी कि अब विष्णु मेरे कोई आराध्य नहीं, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा। यही तो कहा मित्र, लेकिन विष्णु की पूजा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं शंभु की पूजा भी नहीं कर सकता। क्यों? बाण ने कहा शंभु तो मेरे आराध्य हैं, पर शंभु की पूजा इतने नहीं करूंगा कि मेरे पुर में वो गुप्त भाव से विद्यमान है, अपने पुत्र के लिए गुप्त नगर बना रखा है, वो गुप्त भाव से रहते हैं, वो मेरा अनिष्ट, वो कभी भी मेरा भला नहीं करेंगे, अनिष्ट ही करेंगे। तो फिर बोला एक काम करो, ब्रह्मा ब्रह्मा की तपस्या शुरू करो, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र नदी, लोहिता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको लोहित नद बोलते थे, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा है, और ब्रह्मा ने उसपे काफी निर्माण भी कराया था, तो उसको ब्रह्मपुत्र इसलिए नदी कहते हैं, ब्रह्मा का के द्वारा निकाली हुई ये नदी है। तो बाण के आश्वासन पर वो जो है उसने ब्रह्मा के, ब्रह्मा जो है ब्रह्माचल पर्वत भी है वहां पर, ब्रह्मा ने को बसाया था, वहां पर पहुंचा, और उसने बिना जल के मनुष्यों के 100 वर्ष तक उसने तपस्या की बिना जल। तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले मांगो वर मांगो। तो उसने कहा जो वर मांगा 5, उसका देखिए क्या मांगता है। मैं देव असुर राक्षस सभी योनि से अवध हो जाऊं, न मुझे देव मार सके, न मुझे असुर मार सके, न मुझे राक्षस मार सके। मानव को वो भूल गया, रावण की तरह। जब तक चंद्र सूर्य जगत को प्रकाशित करते रहे, तब तक मेरी संतान परंपरा जगत में बनी रहे, यानी जब तक पृथ्वी पर चंद्र सूरज रहेगा तब तक मेरी संतान, तो नरक का वास तो है, नरक तो है ना पृथ्वी पर, नरक वास ही तो उनके संतान हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, नारा चलता था एक जमाने में, नेताजी का नाम रहेगा, इस सारे तो नरकवासी। तो जब तक सूरज चांद रहेगा, नरकवासी बने रहेंगे, कभी कम नहीं होंगे। और मेरी तिलोत्तमादि में रूप गुण से परिपूर्ण 16,000 स्त्रियां मेरी पत्नी बनी। 16,100 स्त्रियां जो हैं अप्सराएं मेरी पत्नी बनी। दिमाग चढ़ गया उसका, बोले बहुत अच्छा, मैं सबसे अभिजीत और श्रीयुक्त होकर सदा ऐश्वर्य संपन्न रहूं। मैंने यहां, मेरे यहाँ लक्ष्मी कभी मेरे यहां से वापस न जाए, ऐश्वर्य से भरा। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन माया ने अपना खेल कर दिया, माया ने, काली माया यानी कामाख्या माला यानी माया देवी ने, शक्ति ने खेल कर दिया, और वह वशिष्ठ के ने जो साप दिया था, उस साप का निराकरण उसने मांगना वो भूल गया। वशिष्ठ ने जो कहा कामाख्या उस पृथ्वी से जा चुकी है, तुम्हारे पिता ही तुम्हारी हत्या करेंगे, मनुष्य रूप में करेंगे, ये सब वो भूल गया। अब ये सब मांगा उसने, तो पितामह ने कहा कि सारे वर मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन तुम जो अप्सरा मांग रहे हो, तिलोत्तमा आदि अप्सरा, उस स्वर्ग की अप्सरा इसने मांगी 16,000, वो सब जन्म लेंगी और तुमको प्राप्त भी होंगी। लेकिन याद रखना कि जब तक नारद तुम्हारे महल में नहीं आते, तुम उसके साथ मैथुन नहीं कर सकते, संभोग नहीं कर सकते, करते ही तुम मर जाओ। यानी उन अप्सरा को, स्वर्ग की अप्सराओं को ब्रह्मा जी ने सुरक्षित किया राक्षस से, राक्षस प्रवृत्ति से, ये तो उसको भोग लेगा। तो कहा कि जब तक ये रावण को भी यही श्राप था, इसलिए जो आजकल के वो लड़के लड़कियां कहते हैं रावण दुष्ट
भाई हमें रावण बिना, और क्या क्या नारे लगाते हैं, सीता जी को उसने छुआ नहीं, वो छूता तो मर जाता। तो 16,000 स्त्रियां तुम्हें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, लेकिन उनके साथ अगर तुमने संबंध स्थापित किए तो तुम मर जाओगे, जब तक नारद तो तुम्हारे भवन में नहीं आते, तो तब तक के लिए सेफ कर दिया ब्रह्मा जी ने। और उसके बाद आया खूब आश्चर्य से, लक्ष्मी तो भर गया भंडार धन के, खूब आश्चर्य से रहने लगा। बाण भी प्रसन्न हुआ, आया देखा नगर फिर से लहलहा उठा, फिर से मित्र उसका चमक रहा है। तो बाण ने पूछा कि क्या क्या तप किया, कैसे किया तप, और क्या क्या मांगा तुम? तो उसने बता दिया कि क्या क्या मांगा मित्र, तो युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन और कर्ण के तथा। उसने कहा कि तुम तो चूक गए, वशिष्ठ के श्राप का तोड़ तो तुमने मांगा ही नहीं मित्र। तो नरक कहा कि ब्रह्मा स्वयं पर्वत रूप धारण करके कामेश्वरी देवी को धारण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए, तो जब तक वशिष्ठ ने मुझे श्राप नहीं दिया था, कामाख्या देवी तो थी, अब वो नहीं है और ये मैं भूल गया। तो बोला यही तो तुमने गलती किया कि तुमने वशिष्ठ के सांप को नहीं बोला, तो ब्राह्मण के सांप को नहीं बुलाया, ब्राह्मण तो कुटिल निकला नहीं का। और दैव कार का तो नियम है कि अब ब्रह्मा भी उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते, जो सांप लगा उसको तो कोई काट नहीं सकता। तो मित्र तुमसे चूक तो हो गई, अब तुम्हारे प्राण तो संकट में है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अब क्या करूं? तो सबसे पहले अब यहां से देखिए, उसके अंदर असुर प्रवृत्ति तो डालना शुरू किया था वान ने, अब और असुर बनाना शुरू किया। बोला सबसे पहले अपने सचिव असुर को बनाओ, यानी यदि किसी शासक का राजा का सचिव, आज के समय में आपको ध्यान होगा वाजपेयी जी का सत्यानाश करवाया था ब्रजेश मिश्रा, और राष्ट्रीय सलाहकार अडवाणी जी का जाके जिन्ना के मजार पे सुधींद्र कुलकर्णी करवाया, तो आपके सचिव कैसे होते हैं इससे राजा तय होता है। तो सचिव तुम असुर को बनाओ, अब देखो उसके अंदर सचिव तुम असुर को बनाओ, और देवता जिनको नहीं जीत पाए ऐसे असुरों को तुम द्वारपाल बनाओ, वो तो विष्णु चाल चल रहा होगा मित्र। और तुम पूरी तरह से राक्षसों से भर दो, सारे द्वारों को भर दो, नहीं तो अब वो तो माया मायापति है वो विष्णु, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बाद में उसके और अपने पुत्र पैदा करो, क्योंकि तुम्हें लंबे समय तक अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हारे पुत्र रहे। तो उसने तड़ातर चार पुत्र जो है पैदा किए, भागदत्त महाशीर्ष मदवान और सुमाली। उसके बाद सभी जो है अजय नरक ने उसके बाद हयग्रीव के को नामक असुर को सेनापति बनाया उसने, उसके बाद मुरु नामक असुर को वहां बस लाया सुरक्षा के लिए। पृथ्वी पर जितने भी असुर थे, अब रावण असुरों का एक सेंटर खत्म हो चुका था रावण के रूप में, तो असुरों का दोबारा जो बड़ा सेंटर बना वो प्रयाग ज्योतिषपुर बना, आसाम ज्योतिष, सारे पृथ्वी के असुरों को वो वहां ले आए, गच दिया उसने चारों तरफ। और ऐसे ऐसे पास अस्त्र आदि का दिया है कि ऐसे जैसे तो बाकी नियुक्त करते हैं, ऐसे ऐसे आपको मुरु ने 60,000 चुरांत पास नामक अस्त्र द्वार पे लगाए, पूरा जो आप बाहुबली फिल्म में देखो उस तरह से, इस अपने शास्त्र पढ़ के उन लोगों ने किए होंगे। पूरा असुर सेंटर लंका से शिफ्ट हो गया प्रयाग ज्योतिष, देश भर दुनिया भर के सारे असुरों को एक जगह जमा कर, जैसे अमेरिका जमा किया। अमेरिका ईसाइयों द्वारा विजित देश है, ईसाइयों का देश नहीं, ईसाइयों द्वारा विजित, तो सबको जमा कर लिया उसने। विरूपाक्ष मारुत ईसा तुमाली ये सब जितने हैं हयग्रीव ये सब वहां पहुंच गए, सबको बुलाया उसने। और उसके बाद जो है वो और
अहंकार उसका बढ़ता गया कि अब कौन मारेगा, देखता हूं अब कैसे पीछे मारते हैं। उसके बाद वानातूत ने कहा, ऐसे नहीं, तुमने ये तो रच लिया, अब देवताओं को डराना होगा। देखो दिमाग, ऐसे अतुल प्रवृत्ति कैसे जागृत होती है, मनुष्य देव अंश, विष्णु अंश है, पृथ्वी का अंश है, ठीक है, मनुष्य गुण उसमें भरा, भगवान ने, राजा जनक ने मनुष्यों का गुण भरा, और अब संगत में, वान के संगत में असुर गुण उसके अंदर आ गए। तो समाज शास्त्र में ये कहा गया है कि 7 साल के बच्चे तक, मैं तो समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, आप अपने घर के संस्कार तो दीजिए ही, लेकिन बाद में वो किसकी संगत में रहता है। जैसे मोगली का उदाहरण आता है कि भेड़ियों की संगत में रहा तो वो भेड़िए जैसे आचरण करने लगा, अपने मनुष्यत्व को भूल गया। संगत का सबसे बड़ा असर, और उस 7 साल में आपने धर्म अगर दे रखे हैं तो उस संगत के असर को काट देगा, और पहले ही आपकी नींव कमजोर है तो वो संगत का असर हावी हो जाए। तो कहा ऐसे नहीं मित्र, अब इंद्र पे हमला करते हैं, आना ने कहा। और ये जितने ऋषि मुनि हैं उनको भी उत्पीड़न करो, अब ऐसे मजा चखाएंगे। कहा ठीक है, और नरक ने देव देवराज इंद्र पे चढ़ाई कर दिया, उनको पराजित किया, उनका सब कुछ, उनका रत्न आदित्य जो है, शास्त्र कुंडल, उनके दोनों कान की, ये तक छीन लिया अपमानित करने का। मुनि ने श्राप दिया, कहा भाग यहां से ब्राह्मण, भगाया उसको, ऋषि मुनियों का कोई इज्जत नहीं करता था। और 5,000 वर्ष तक वो प्राग ज्योतिषपुर में राज्य करता रहा, लंबे काल तक, तो अभिजीत होने का उसको वरदान ही मिल गया था। सारे घबराए हुए गए भगवान विष्णु के पास कि क्या करें, आप ही का पुत्र है, अब तो तराई तराई हो चुका। तो उन्होंने कहा कि द्वापर में मैं जन्म तो ले ही रहा हूं, कृष्ण तो मैं ही मारूंगा, यही तो वशिष्ठ ने कहा ही। तो देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और उधर जो है देवताओं ने रंभा तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं के रूप में रूप गुण से युक्त उधर अन्य स्त्रियों का जन्म हुआ। ऐसे 16,000 स्त्रियों का जन्म हुआ। वो लोग, वो सुंदर स्त्रियां सब हिमालय पे विहार कर रही थी, यानी अपने हिमालय की सुंदर फूल पत्तियां अने विचरण कर रही थी। नरक ने उसको तत्काल सबको बंदी बना लिया। अब आया और उसकी इच्छा हुई कि अब उनके साथ वो संभोग रहा, तो अप्सरा तो जानती थी, उन्होंने कहा रुक जाओ, तुमको जो करना मेरे साथ कर लेना, लेकिन जब तक नारद जी भवन में नहीं आते, तुम्हारे नरकासुर के भवन में, तब तक तुमने अगर हमें छुआ भी तो तुम ध्वस्त हो जाओ, तुम्हें याद नहीं अपनी। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, बोला बात तो ठीक है, तो वो 16,000 स्त्रियों को उसने नहीं छुआ। उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पत्नी आदि के साथ, सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी, नागजीती, लक्ष्मणा, चारुहासिनी, श्रील सुशीला, जामवंती, से 8 पटरानियां रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की। प्रद्युम्न, सांब आदि पुत्र उनके उत्पन्न हुए थे। तो भगवान इधर थे और उन्होंने उधर कंस सबका वध कर ही दिया था, सबको जो है जितना जो है द्वारका में रह रहे थे। तो अब उनके पास था कि नरकासुर का वध किया जाए, समय आ गया है, और देवता उनसे कह भी रहे थे। पृथ्वी स्वयं नरकासुर के कारण खुद पृथ्वी गई भगवान विष्णु से कहने कि मेरे पुत्र का वध कर दीजिए, अब ये और आतताई हो चुका है। धर्म के लिए विष्णु ने अपना वध भी करवाया, आपको धन बड़ा रूप में जो है, और बड़ा का सर्व थे, और अब अपने पुत्र का वध करने जा रहे। और यहाँ सनातनी क्या धर्म छोड़कर दिनारी बाबा का नाच देखने जाते और नेताजी के पीछे झंडे उठा।
अधोपतन किसका होगा। उस पर ब्रह्म ने उदाहरण दिया कि धर्म के आगे न मेरा पुत्र है, धर्म के आगे मैं भी नहीं हूं, मैं अपना वध भी करूंगा। और सनातनियों से अगर धर्म की बात कर दीजिए तो पोप कल्चर विकसित कर दिया है, पोपिज्म के पीछे भाग रहे हैं, व्यक्तिवाद के पीछे भाग रहे हैं, और ये भुगत चुके हैं गांधी के समय, भारत विभाजन से लेके मालाबार से लेकर हिंदू संघार से लेकर, तब भी सनातनी अपने धर्म में झांकना ही नहीं चाहते। और वो लड़ने किससे चला है, उत्तर जो पांच भक्त अपने मजहब की राह पे चल रहे हैं, एक दिन शुक्रवार को जमा होता है, वो लड़ना उससे चाहता है जो अपने पंथ के नियम को मान रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, उसने अपनी अपनी आत्मिक प्रवृत्ति के अनुसार चल रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर से गुण कैसे आएंगे, तुम्हारे तो धर्म के शास्त्र तुमने उठाने बंद कर दिए और निजित नेता के चक्कर में वो नेता तुम्हें मरवाता चला जा रहा है, तो तुमने पीछे पीछे झंडा, तो पीछे जाने वाला कभी लड़ नहीं सकता, उसकी प्रवृत्ति लड़ने की खत्म हो जाती। तो भगवान विष्णु ने स्वयं का ध्वंस किया, पुत्रों का ध्वंस किया धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन बस झूठों का ऐसे घंटी डोला लेना विष्णु जी के पास, ऐसे ऐसे घंटी डोला लेना है, आरती कर लेना है और निकल लेना है, जैसे एहसान करते हो, परमात्मा का दर्शन भी 300-400 का VIP टिकट लेके जाके एहसान करने जा रहे हो, कौन बुला रहा है तुम्हें परमात्मा भाई, किनको चिंता पड़ी है तुम्हारी, मरो जहां मरना है। VIP जाके जाते हैं, अलग गेट नहीं बना दिया हर मंदिर में, धंधा शुरू कर दिया है, हर गेट बना दिया अलग अलग, VIP हो गए सब, उस पैसा से तृप्तिकरण योजना चल रहा है, तुम्हारे पे वो फल तो रहा नहीं, और अपने आप को आप देख लीजिए, अब जहां भी जाइए यही तो कोड़ धंधा चल रहा है, क्यों भगवान पे एहसान करते हो, तुम्हारा एहसान भगवान को नहीं चाहिए, रहो अपने घर में। वैसे भी कलयुग के लिए कहा कि माता लक्ष्मी जो है, और सब धन ही मांगने जाते हो, तो माता लक्ष्मी ऐसे ऐसे के घर में चली जाएंगी इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, ताकि वो और ज्यादा अधर्म करे, तभी तो धर्म रूपी विष्णु आएंगे। इसलिए माता लक्ष्मी ऐसे ऐसे घरों में, ऐसे ऐसे मूड, ऐसे ऐसे के, ताकि उसका अहंकार और बढ़े, तभी तो सोने के लंका रावण बना के, और अंत जब तक सोने के लंका नहीं बनाओगे तो अहंकार कैसे बढ़ेगा। तो कहते हो ना कि वो पापी है, उसके बाद इतने धन क्यों है, पापियों के पास ज्यादा धन आएंगे, ताकि वो और ज्यादा पाप वृत्ति करे, और जितना पाप वृत्ति करेगा उतना धर्म धारण करने वाले विष्णु के जन्म की अवधि निकट आती है। अभी तो और पापियों को धन मिलना, पापियों को ही सत्ता मिलना। अब कहोगे तो ये औरंगजेब और क्या धर्म धर्मात्मा थे, तुगलक, औरंगजेब, लोदी, ये अकबर, ये धर्मात्मा थे, हुमायूं, ये धर्मात्मा थे। पापियों को सत्ता मिलेगा, पापियों को धन मिलेगा खूब ज्यादा, ताकि पृथ्वी तब त्राही त्राही करे, उनका पाप कर मोड़ पड़े। और जब तक एक अति नहीं होता, जब तक कंस देवकी के गर्भ के बच्चों को नहीं मारेगा, तब तक परमात्मा का अवतरण कैसे होगा, जब तक रावण देवताओं को बंदी नहीं बनाएगा तब तक परमात्मा का अवतरण कैसे होगा, जब तक है ग्रीव के रूप में, या जब तक आपको वराह के रूप में त्राही त्राही खुद भगवान अपने नहीं मचा रहे, तब तक भी परमात्मा आएंगे कैसे। तो एक अति चाहिए, पेंडुलम के घड़ी का एक अति, यहां जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक यहां तो पहुंचोगे नहीं, बीच में कहां लटते होगे। इसलिए आप जो अभी आस पड़ोस कहीं देखते होगे, उसको आप जो पाप है, इतना धन उसके पास, ज्यादा धन है इसका मतलब पाप वृत्ति उसकी उतनी बड़ी प्रबल है। ये कलयुग में कहा गया माता लक्ष्मी ऐसे को बढ़ाएंगे, देख लो भ्रष्टाचार, कोई कहता 4,000 करोड़ 8,000, आप सत्यनिष्ठा से कमा सकते हो, अधिकारियों के जो बिस्तर के नीचे बोड़े पड़े हुए हैं तो कैसे बोड़े पड़े हैं, किसी को सता के, किसी को लूट के, किसी को भ्रष्ट करके। तो जितना लूटेगा, लोगों को जितना सताएगा, धर्म के आवाहन की, धर्म के आने की संभावना बढ़ेगी। तो जब तक मैंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, मुझे भी लगता था कि पापी के पास इतने धन क्यों, शास्त्र बताते हैं कि पापियों के पास ही सत्ता होगी, पापियों के पास ही धन होगा, इसलिए तो वहां काला सोना मिला उसको, अरब वालों को ऊंट पे सवारी करते थे, एकाएक काला सोना मिला, यानी तेल मिला, और पैसे वाले कैसे हो गए,
वो पाप वृत्ति वाले ही तो पैसे वाले हुए। पाप वृत्ति को मैक्सिमम बढ़ाया जाएगा, आंच जितना बढ़ाया जाएगा ढक्कन उतना तेज उठेगा, चावल का हांडी के ऊपर का ढक्कन उतना तेज उठेगा। तो आंच बढ़ा रही है माता लक्ष्मी ताकि विष्णु का अवतरण हो, इसलिए उन पापियों को तब हिरण्यकश्यपु को सोना दिया था, अभी अरब कश्यपु को काला धन तेल दे दिया है। देख लो अमेरिका, अभी अमेरिका में भी कोई कह रहे थे बड़े बड़े पूरे परमाणु अस्त्रों को एक्टिव कर दिया गया है, चीन को देख रहे हो आप, रशिया को देख रहे हो आप, ये पूरी दुनिया को ये पाप वृत्ति वाले युद्ध में झोंकने जा रहे हैं। तो धर्मात्मा इसलिए अभी आप बचोगे सिर्फ धर्म धारण करके ही, कोई उपाय नहीं आपके पास, अपने आसपास औरा बनाओ जिससे आप बच सको, अपने बचाव के लिए करो, देश तो तुम्हारे तुम देश बचा लेंगे, अपना ठिकाना नहीं है देश बचा लेंगे, महात्मा गांधी वाले नारे ना लगाओ देश तोड़ दिया, देश बचा लेंगे। वो पापी का सबसे बड़ा नाम हुआ, हर महिलाओं के साथ पोतियों के साथ होता था, देखो पाप वृत्ति बढ़ाता गया तो उसका सत्ता उसकी, हर पापी को ही सत्ता मिलना है सुन लो आप, पापी को ही धन मिलना है सुन लो आप, क्योंकि तभी धर्म की स्थापना, ऐसे नहीं गए परमात्मा। बहुत तुतमन से सब जा रहे थे, केदारनाथ मर गए, तुतमन से जा रहे थे सब, मनौती मांगने जाते हो कि परमात्मा से प्रेम के कारण जाते हो, कोई प्रेम हृदय में प्रेम वो तो छलकता है, वो कोई परमात्मा वो तो जाते हो कि हमने एक मनौती मांगी थी उतार दे, माता वैष्णव देवी का सुन रहा था कि इतना सोना चढ़ाया उसमें इतना सोना नकली मिला, अब लो नकली सोना भी चढ़ा के माता ही को ठग लो, वो जो ज्वेलर होंगे वो भी पाप वृत्ति कि तो माता को ही चढ़ाने जा रहा उसमें दे दो नकली, इतने पापी भर गए, माँ को भी ठगने का सोचते, माँ को लूट रही है सरकार, विष्णु मंदिर से लूट रही है सरकार, तो पाप वृत्ति और बढ़ेगा, इसलिए अपने धर्म वृत्ति को बढ़ाओ, ये तो आप कर ही सकते हो, किसी से लड़ने को थोड़े कह रहा हूं, अपनी पूजा घर में 1 घंटा साधना करने को कह रहा हूं, स्वाध्याय करने को कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, और तो क्या कह रहा हूं। तो उसके बाद जो है उसने भगवान श्री कृष्ण ने जो है सत्यभामा जो उनकी रानी थी उनके साथ वो गरुड़ पर बैठे और नरकपुर की ओर प्रस्थान किया, वो नरकपुर तो नरक चतुर्थी आता है अब देखते हो। और उसके बाद जो कृष्ण जी ने तबाही मचाई नरकासुर, एक एक युद्ध दिया है किस कैसे कैसे जो है, और जब कृष्ण ने पदार्पण कर लिया तो नारद नरकासुर में घुसे, नरकापुर नरकपुरी में घुसे, उस समय चैत्र शुक्ल पंचमी लगी हुई थी, और उसने कहा नारद जी आ गए अब तो मैं अप्सराओं को भोगूंगा, उनके साथ में मैथुन करूंगा। नारद जी ने कहा रुक रुक, अभी अभी तुम्हारे लिए विपत्ति काल है, नौमी को तुम्हारे लिए विशेष विपत्ति है, और चतुर्दशी के दिन जब ये स्त्रियां यहाँ ऋतु स्नान हो जाएंगी उसके बाद उनके साथ सुख पूर्वक संभोग करना। तो वो भयभीत हो गया कि नारद जी क्या कर रहे हैं, उसने पूरा अपनी सेना को उतार दिया और भगवान विष्णु का चक्र जो है, भगवान श्री कृष्ण का चक्र चलना शुरू हुआ, और उन्होंने जो है कैसे कैसे मुरु दैत्य, पहले उसके 60,000 जो पास था उसको खंड खंड किया, मुरु दैत्य को मारा, उसके बाद मुरु दैत्य के 6 पुत्रों का नाश किया, उसके बाद जो है ग्रीव को नष्ट किया, उसके बाद भगवान ने विरूपाक्ष सुंद का विनाश किया, पंचजन वीर का वध किया, यानी कृष्ण ने तबाही मचाना शुरू कर, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन के आगे क्या है काल मंडराता दिखाने का, अब तो नहीं बच सकते, एक एक राक्षस मरता चला जा रहा। उन्होंने 1800 सहस्र और 1800 असुरों का यानी विनाश, तो पूरा घेर सारे असुर केंद्र बना रखा था, तो राम के रूप में उन्होंने असुर केंद्र रावण को और लंका को ध्वस्त किया, और कृष्ण के वेश में उन्होंने असुर केंद्र नरकासुर के असुर केंद्र को ध्वस्त किया। महाभारत युद्ध के कारण हम उस नरकासुर के उस भयानक युद्ध को हम भूल जाते, जो बहुत भयानक युद्ध था, उन्होंने उसको ध्वस्त किया, अपने पुत्र का नाश करने जा रहे धर्म के लिए, सोच के देखो कृष्ण तो जानते हैं
ये धर्म, तभी ये धारा टिकी हुई है ऐसे धार्मिक लोगों के कारण, ऐसे परमात्माओं के कारण जो धर्म के आगे ना अपने पुत्र को देखते हैं ना स्वयं को देखते। तो फिर जो आपको और भगवान का क्या रूप था, भगवान ने वहां रूप शंख चक्र तरंग जो है गदा तलवार पूरी तरह से भगवान कृष्ण जो है युद्ध के मैदान में जो उनकी लीला थी देखने लायक लीला थी। और भगवान के साथ खड़ी हो गई कामाख्या काली शक्ति, तबाही मचा दिया क्योंकि अब कामाख्या को प्रकट होना है तो भगवान आ चुके हैं और प्रतिष्ठित वो गायब हो गए थे तो काली प्रकट हुई और उन्होंने फिर कामाख्या जो है जो काली ही है जो शक्ति है, शक्ति है और परब्रह्म है उन्हीं का पूरा विस्तार है, ये दो ही है समझ में। और परब्रह्म निष्क्रिय है शक्ति चालित करते हैं, ये मैं उसमें समझा चुका हूं। और उसके बाद जो है भगवान ने नारकासुर का नाश कर दिया स्वयं के हाथों ही अपने पुत्र को जो है, और पृथ्वी जो है जब अपने पुत्र को देखी लेकिन शोक को उसने वहन की सहन किया क्योंकि नरक मैं अपने कोख में कब तक रखूंगी। और पृथ्वी जो है पृथ्वी ने भगवान का धन्यवाद किया कि आपने नरक से पृथ्वी को मुक्ति दिलाई, वही नरक आज नरक बना हुआ है, नरक वही प्रतीक नरक, सारा ऐश्वर्य और जहां से धर्म का नाते वो नरक, ऐश्वर्य तो जमा कर लिया लेकिन जहां धर्म नहीं है वो नरक। उसके बाद उनका जो पुत्र था नरकासुर का भागदत्त उसका उन्होंने अभिषेक किया मधुसूदन ने, और वहां के धनागार में वो उन्होंने प्रवेश किया। तो कहते हैं कि हमारे हमने तो आक्रमण नहीं किया, हम तो थप्पर खाते रहे, एक गाल बढ़ाते रहे दूसरे गाल खाते रहे, ये जो थ्योरी दिया गया। भगवान ने उसके धनागार में प्रवेश किया, वहां असंख्य धनों का ढेर था पूरा, भगवान ने धन प्रजा में भी बांटे, स्वयं के राज्य के लिए भी द्वारका के लिए भी उन्होंने लिए, वैष्णव भी शक्ति भी हरण कर लिया। फिर पृथ्वी ने कहा कि मेरे अपने पोते को तो भागदत्त को दे दीजिए ये शक्ति, फिर भगवान ने ठीक है उसकी राज्य की रक्षा के लिए उसको दे दिया। और फिर भगवान ने वो जो 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया, वही जो लोग आपको कृष्ण छलिया है देखना है ये करता है, वही 16,000 स्त्रियों को जो अप्सराएं थी जो अक्षत योना ही थी लेकिन अब वहां उनके कैद में थी, उस कैद से निकाले तो भगवान ने उनको सम्मान दिया कि कोई इनको कलंक ना लगाए, जबकि वो अक्षत योना थी लेकिन तब भी उसके कब्जे से आई थी तो लोग उनको कहे कि भाई तो राक्षस ने इनको भोगा होगा, तो भगवान ने पत्नी बनाकर उन 16,101 स्त्रियों को सम्मान दिया। नारायण ने स्त्री का इतना बड़ा सम्मान किया और आधुनिक लोग क्या बकवास करते घूमते हैं भगवान, आधुनिक सनातनी तो क्या कहूंगा ये हिंदू बने जो घूमते हैं। और उसके बाद जो है तो इस तरह से भगवान ने नरकासुर का नाश किया, वो जो 16,000 स्त्रियां हैं उनका उद्धार करके उनको रानी बनाया। और इस तरह भगवान ने ये संदेश दिया कि धर्म के राह में न मैं हूं न मेरा पुत्र है, धर्म से बड़ा कोई नहीं। दूसरा संदेश दिया कि नरक इसी पृथ्वी पर है, जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति आपके अंदर है तब तक आप स्वर्ग में हैं, जिस ज्यों ही आपके अंदर असुर प्रवृत्ति धारण आप करते हैं आप नरक की यात्रा भोगना शुरू करते हैं। ये नरक यही है, उस पृथ्वी के गर्भ में ही वो नरक है, यानी यही नरक का जो आप उद्यम कर रहे हैं, पृथ्वी को लूट बर्बाद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, स्त्रियों को सता रहे हैं, भोग रहे हैं, यही सब नरक है। तो नरकासुर के रूप में सूक्ष्म कथा यही है कि नरकासुर वर्तमान में भी उपस्थित है, पृथ्वी को नरक बनाने वाला हर व्यक्ति नरकासुर, इसलिए मनुष्य प्रवृत्ति को कभी ना छोड़ें, धर्म को धारण रखें, स्वयं विष्णु धर्म है,
धर्म से च्युत ना हो, किसी को देखकर ये न कहें कि उसको सत्ता मिल गई तो वो धर्मात्मा है, उसको धन मिल गया तो धर्मात्मा है। कलयुग में धर्म और सत्ता पापी को ज्यादा मिलेगा, ताकि भगवान लक्ष्मी यानी माया, योग माया उसकी व्यवस्था कर रही है, ताकि नारायण का प्रकटीकरण अवतार शीघ्र हो, और जिसके पास धर्म सत्ता है वो आतताई प्रवृत्ति जितना बढ़ाएगा नरकासुर की प्रवृत्ति, उतना ही माधव के केशव के जन्म की संभावना नजदीक आती जाए। आज की कथा को मैं यहीं विराम देता हूं, और आप सबने पूरे मनोयोग से इसको सुना। आप सबके अंदर बैठे उस परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, और आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप धर्म की इस यात्रा में चल रहे हैं साथ साथ। ये मामूली बात नहीं है, श्रवण करना बहुत बड़ी बात है, और आपके कारण मैं भी सीख रहा हूं। आज की कथा को मैं समाप्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको शुभ।